हेलो फ्रेंड, मैं मांझ रही हूँ। बर्तन बहुत ज़्यादा काम हो गया है आज, ये सारे बर्तन हो गए हैं। अभी खाना भी बनाना है बच्चों के लिए। मम्मी भी कुछ शायद काम कर रही है उधर। तो ये है बंदा हुआ, वो उसे खोलता है और उसे पूछता है, तो वो बताता है कि कुछ एक घंटे पहले ये देखिए फ्रेंड, मम्मी जी खा रही है खाना और ये बच्चे कर रहे हैं मस्ती, ये दादी का मोबाइल चला रहे हैं। वो लगता है परी सो गई। परी 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 सो गई क्या? सोने वाली है परी। चलो दूध पका दे दे। अरे परी जब सारे एक मिनट रुक जाओ, पहले दूध को भी रख देते। रोटी बन गई। सब्जी क्या है? सब्जी है चने की और आलू की सब्जी। चने की दाल? नहीं, चने की दाल नहीं है। जैसे वो चने की चल रही थी दिमाग में क्या चल रही है। जाके अपनी छोटी सी मेज लगा दो परी। यहाँ पे क्या डाले? टमाटर, प्याज। मेरा पीछे काय कर रही है रे?
चार रोटी बन रही है यहाँ पे। परी को बहुत तेज भूख लगी है, नींद भी आ रही है परी को। भी सबसे ज्यादा नींद भी लगी है। हाँ, परी को नींद भी आ रही है, इसके लिए दूध गर्म करना है। परी दूध पिए बगैर सोती नहीं है। पहले तो हम सो ही जाते हैं, बाद बने बंदर पहले सो जाती थी, अब नहीं सोती है परी जब तक दूध नहीं पी लेती है। क्या हो गया? नहीं खानी है तो रोटी। ये रोज सिर्फ दो रोटी खाते हैं, ये 11 साल के हो गए हैं लेकिन इनको दो रोटी ही खानी होती है। इनकी शक्ल देखो कैसी है, कभी दूध पिएंगे कभी नहीं पिएंगे, दूध भी नहीं पीते हैं ज़्यादा, दूध भी पिलाना पड़ता है इनको तेल लगा लगा के। तो फ्रेंड परी मांग रही है पानी, तो परी को दे देते हैं पानी। लो परी कैसी लग रही है सब्जी? अच्छी लग रही है, तब तो सुबह भी यही मिलेगी फिर। तो सुबह क्या खाओगे, क्या नाश्ता बनाए सुबह? सुबह ये रोटी कैसे खा रहे हो तुम, इतना जल्दी है क्या तुम्हें, इतना बड़ा बड़ा खा रहे हो? इनको बस नीचे जाने की जल्दी होती है, बस सोच रहे हैं जल्दी जल्दी खा ले और भाग ले नीचे, क्योंकि दादी का मोबाइल मिलता है इनको चलाने के लिए। साढ़े नौ हो गया है, ब्लॉग का यहीं पर करते हैं, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।